students, today I am going to teach you lesson number 3, Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture. So, in this chapter, we read in previous lecture about sculpture, architecture, ancient Indian town planning, in which we read about Mohenjo-daro and about construction of town, roads, drainage system, public baths, public buildings, etc. So, next one is Harappa. In 1921, under the leadership of Sir John Marshall and Colonel Mackay, Dayanand Sahani discovered very ancient remains of Indian civilization from Monte Gomery in Punjab district near Harappa. जो पंजाब जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हरप्पा के पास, ये यहाँ पे 1921 में इंडियन सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स मिले, पुराने जो डिस्कवर हुए, किसकी लीडरशिप में? सर जॉन मार्शल, कोलोनल मैके और दयाराम सहनी. द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड फ्रॉम रापर इन हिमालयन रीजन, आलम गिरपुर एट मेरठ इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में मेरठ में आलमगीरपुर, हिमालयन रीजन में रापर, कालीबंगन इन राजस्थान, लोथल एट ढोलका इन गुजरात, देशलपुर शिकारपुर इन कच्छ, ढोलावीरा रामपुर नियर लिंबड़ी इन सौराष्ट्र, श्रीनाथगढ़ रोजाड़ी नियर गोंडल, कुंतासी नियर मोरबी एंड सोमनाथ एक्सेट्रा. ये प्लेसेस हैं जहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के जो रिमेन्स है वो मिलते हैं. द रीजन ऑफ सप्त सिंधु रिवर इज ए रीजन ऑफ आर इंडियन कल्चर. हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें सप्त सिंधु रिवर जो है वो उस रीजन में आता है. द कल्चर विच डेवलप्ड हेयर इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन. यहाँ पर जो कल्चर डेवलप हुआ उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं. Its remains were found first of all from Harappa. That is why it is known as Harappan civilization. सबसे पहले जो इसके remains मिले वो हरप्पा में मिले, so तब से उसको हरप्पन civilization कहा जाता है. Copper and stone weapons and many other things were found from this region. इस region में से बहुत सी चीजें, जो copper और stone पत्थर के जो weapons होते हैं, इन सबसे मिली ये सब चीजें, तो ये इन रीजन्स में पाई गई. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज कॉपर स्टोन एज. इसीलिए इसको कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है, कॉपर स्टोन एज. सो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, हरप्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, कॉपर स्टोन एज कहा जाता है. टाउन प्लानिंग ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन वॉज वेरी सिस्टमैटिक. जो हरप्पा सिविलाइजेशन था वहां का टाउन प्लानिंग बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक था. इट्स ग्रेनरीज एंड फोर्ट्स वर रिमार्केबल. उसकी जो ग्रेनरीज है, मीन्स जहाँ पे गेहूं वगैरह इकट्ठा करते हैं वो, और जो फोर्ट्स हैं, किले हैं, वो बहुत ज्यादा यादगार है, रिमार्केबल. देखो यहाँ पे ढोलावीरा पिक्चर नीचे है. पीपल ऑफ दैट एज वर फॉन्ड ऑफ वियरिंग ऑर्नामेंट एंड सच रिमेन्स हैव बीन फाउंड. उस समय के जो लोग थे, उस सिविलाइजेशन के जो लोग थे, उनको, उस एज के लोगों को ऑर्नामेंट्स गहने पहनना बहुत ज्यादा पसंद आता था, इसीलिए वहां से सबसे ज्यादा यही मिला. थर्ड, ढोलावीरा, ए ह्यूज एंड सिस्टमैटिक एंशियंट टाउन कंटेम्पररी टू हरप्पन सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम ढोलावीरा विलेज एट खादिरबे इन वास्ट डेजर्ट ऑफ भचाओ. ओके, भचाओ तालुका विच इज अबाउट 140 किलोमीटर अवे फ्रॉम भुज. ढोलावीरा ये ह्यूज और सिस्टमेटिक एंशियंट टाउन है, पुराना टाउन है. कंटेम्प्ररी टू हरप्पन सिविलाइजेशन हैज बीन, जो आपको देखने मिलेगा वो ढोलावीरा से 2 किलो, ढोलावीरा एक विलेज है वहां से 2 किलोमीटर दूर, और डेजर्ट है वहां पे, भचाओ तालुका लगता है, 140 किलोमीटर पड़ता है भुज से. आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात सर्वेड द
this heap of ruins after this officers of Archaeological Survey of India has undertaken the research work in 1990 AD special task 1998. तो Archaeological Department जो गुजरात का है उनने सर्वे किया हीप ऑफ रूइंस मतलब सब नष्ट किया हुआ है उसका ढेर पूरा. तो आफ्टर दिस ऑफिसर्स जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बाद इंडिया हैड अंडरटेक उन्हें रिसर्च करना स्टार्ट किया 1990 के बाद. स्पेशल टास्क ऑफ एक्सकेवेशन वॉज कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ रविंद्र सिंह बिष्ट. जो एक्सकेवेशन यानी खुदाई का जो काम था वो शुरू किया गया और वो जो स्पेशल टास्क था वो किसकी गाइडेंस में किया गया, रविंद्र सिंह बिष्ट. रिमेन्स ऑफ धोलावीरा प्लेसेस एंड मेन वॉल्स ऑफ टाउन वर पेंटेड विद व्हाइट कलर. वहां जो रिमेन्स मिले उससे पता चला कि जो वहां के प्लेसेस थे और मेन वॉल्स हुआ करती थी उनपे पेंट व्हाइट कलर का हुआ करता था. सच फोर्टिफाइड वॉल्स एनसर्कलिंग टाउन सजेस्ट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, ताकि वो एनसर्कल में बनाई जाती थी और पूरा टाउन जो है उसके अंदर सिक्योर है. This wall is made up of clay, stone and ये जो wall थी ये बनी हुई थी clay से, stone से और bricks से, ईंट पत्थर मिट्टी. Potable water was available here as well as a proper system of water purification was set up here which is not made available to all even in modern age. देखो यहाँ पे दे रखा है किस तरीके से, मीन्स पोर्टेबल वाटर जो पानी पीने का, जो पीने का पानी पीने योग्य पानी होता था पोर्टेबल वाटर वो यहाँ पे अवेलेबल था और प्रॉपर सिस्टम में वो वाटर जो है प्योरीफाई होकर यहाँ आता था विच इज नॉट मेड अवेलेबल टू ऑल इवन इन मॉडर्न एज, जो कि मॉडर्न एज में हर जगह अवेलेबल नहीं था. नेक्स्ट लोथल. लोथल इज सिचुएटेड इन ढोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट. अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ढोलका तालुका में लोथल सिचुएटेड है. ढोलका इज अ प्लेस बिटवीन टू रिवर्स. दो रिवर्स के बीच का जो प्लेस है वो ढोलका है, भोगावो एंड साबरमती. इट इज 18 किलोमीटर फार फ्रॉम बे ऑफ खंबार फ्रॉम वेयर थ्री लेयर्स ऑफ ह्यूमन हैबिटेट वर फाउंड. ये बे ऑफ खंबार से 18 किलोमीटर दूर है जहां पे ह्यूमन हैबिटेट की तीन लेयर मिलती है. A huge dockyard was constructed to facilitate ships in the time of high tides at the lower eastern part of the town. वहां पे ह्यूज डॉकयार्ड बना है. डॉकयार्ड का मतलब होता है जैसे ट्रेन के लिए स्टेशन होते हैं, प्लेन्स के लिए एयरपोर्ट होते हैं, उसी तरीके से शिप के लिए डॉकयार्ड होते हैं, तो उस जगह पे बनाया गया. एंड दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ लोथल. यही लोथल का यूनिक फीचर है. सच डॉकयार्ड स्टोरेज शॉप्स एटसेट्रा शो द प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. ऐसे डॉकयार्ड्स जब मिलते हैं तो और स्टोरेज शॉप्स जो मिलती हैं तो ये शो करती है, ये प्रूफ करती है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट उस टाइम पे जो हुआ करता था उसके. दिस सजेस्ट दैट लोथल माइट बी अ रिच एंड प्रॉस्परस पोर्ट ऑफ इंडिया. ये सजेस्ट करता है कि लोथल जो है वो रिच और प्रॉस्परस पोर्ट था इंडिया का. This is a matter of great pride not only for Gujarat but also for history of India. ये great proud की बात है, proud का matter है, pride का matter है, ना सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे भारत की history के लिए. ये हमने पढ़ा अभी ancient Indian town planning के पुराने जमाने में. पुरानी जो town planning होती थी वो मोहनजोदारो में, धोलावीरा में, हड़प्पा में और लोथल में किस तरीके से होती है. अब हम पढ़ेंगे मौर्यन आर्ट. अभी तक हमने पढ़ा स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर पढ़ा, अब मौर्यन आर्ट पढ़ते हैं. स्तूपा एन ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन अंडर विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धास बॉडी वर कैप्ट इन अ बॉक्स इज नोन एज स्तूपा. ये आपको स्तूपा की पिक्चर दे रखी है. स्तूप ऑफ सांची है, आपकी बुक में दिया है. एक गोल गुंबद जैसा शेप होता है जहां पे लॉर्ड बुद्धा की जो बॉडी है उसको बॉक्स में करके मीन्स वहां पे रखा जाता था रिमेन का, तो उसको स्तूपा कहा जाता है. देयर आर फाइव फेमस स्तूपास ऑफ किंग अशोकास टाइम. अशोक जो किंग अशोका था उसके समय में पांच फेमस स्तूपास थे. पहला स्तूप ऑफ सांची,
जो आपको पिक्चर में दे रखा है. नेक्स्ट स्तूपा ऑफ सारनाथ, थर्ड स्तूपा ऑफ विराट, फोर्थ स्तूपा ऑफ नंदनगढ़, फिफ्थ स्तूपा ऑफ देवानी मोरी इन गुजरात. बिसाइड्स चैत्यास, विहारास एंड मैथ्स वर कंस्ट्रक्टेड. द पीरियड ऑफ किंग अशोका वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ प्रोस्पैरिटी फॉर दिस रीजन एंड एज ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर. जो अशोक था, अशोक राजा का जो टाइम था वो एक गोल्डन पीरियड था ऑफ प्रोस्पैरिटी, मतलब इतना अमीर और वो था फॉर बुद्धिस्ट रीजन, बुद्धिस्ट रीजन के लिए और एज ऑफ स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के लिए. बुद्धिस्ट रीजन हैज गिफ्टेड केव्स, विहारास, चैत्यास एंड स्तूपास टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. बुद्धिस्ट रीजन जो है उनको गिफ्ट किया गया केव्स, विहारास, चैत्यास और स्तूपास टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर की फील्ड. तो अभी हम स्तूपा की डेफिनेशन देख लेते हैं. स्तूपा एंड ओवर शेप construction and a ditch. The remains of बॉडी बन गया कैप्टन बॉक्स. ओवल शेप कंस्ट्रक्शन जहां पे लॉर्ड बुद्धा की बॉडी के रिमेन्स रखे जाते हैं बॉक्स में, उसको स्तूपा कहा जाता है. स्तूपा ऑफ सांची, द सांची स्तूपा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड के दौरान सांची स्तूपा बना. अशोक ने काफी स्तूपाज बना दिए, अब उसमें सांची स्तूपा मौर्यन पीरियड में बना. इट इज सिचुएटेड एट मध्य प्रदेश, जो कि सिचुएटेड है मध्य प्रदेश, मतलब मौर्यन पीरियड से, अशोक भी मौर्यन पीरियड से था. तो ये जो स्तूप ऑफ सांची था ये सिचुएटेड था मध्य प्रदेश में, एमपी में. द ओरिजिनल स्तूप ऑफ सांची वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स. जो ओरिजिनल स्तूपा है वो सिर्फ ईंटों से बना था. इट वॉज हाफ इन साइज कम्पेयर टू द प्रेजेंट स्तूपा. जो आज स्तूपा बना हुआ है, जो पहले जो स्तूपा बना हुआ था वो आज के बने हुए से इट वॉज हाफ इन द साइज कम्पेयर टू द प्रेजेंट स्तूपा. जो प्रेजेंट स्तूपा है उसी का कंपेरिजन में हाफ था. द बुद्धिस्ट स्तूपा इज प्रेशियस स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर. यहाँ पे लीनियर स्केच ऑफ स्तूपा दे रखा है. हर्मिका, मेघी, प्रदक्षिणा, पाथ, तोरण, ये स्तूपा के अंदर ये चार चीजें रह गई है. जो रेलिंग अराउंड द टॉप ऑफ द ओवल शेप स्तूपा इज कॉल्ड हर्मिका. जो ओवल शेप में होता है स्तूपा में उसको हर्मिका बोलते हैं. मेघी, एलिवेटेड सर्कुलर पाथ अराउंड स्तूपा इज नोन एज मेघी विच इज यूज फॉर प्रदक्षिणा. जब हम स्तूपा की प्रदक्षिणा करते हैं, गोल गोल घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो उसके नीचे का जो पाथ है उसको मेघी बोलते हैं. प्रदक्षिणा पाथ इज स्लाइटली एलिवेटेड सर्कुलर पाथ अराउंड द टेम्पल और प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड प्रदक्षिणा पाथ. जो मंदिर या किसी पूजा के प्लेस के बराबर में जगह दी जाती है प्रदक्षिणा करने के लिए, मीन्स उसको सर्कुलर घूमने के लिए, तो उसको प्रदक्षिणा बोलते हैं. प्रदक्षिणा इज डन इन सच ए वे दैट प्लेस ऑफ वर्शिप इज ऑलवेज टू द राइट साइड. प्रदक्षिणा जो है वो इस तरीके से की जाती है कि जो वर्शिप प्लेस जो होगा वो हमेशा राइट साइड रहेगा. तोरण, तोरण मीन्स ए गेट वे दैट इज बिल्ड ऑन टू हाई पिलर्स
with artistic horizontal beam on it. The devotees use this toran as an entrance. एंट्रेंस के लिए जो डिवोटीज हैं वो स्टोरन का यूज करते हैं, जो एंट्री पे दो पिलर होते हैं उनपे लगा हुआ होता है. पिलर इंस्क्रिप्शन, स्टोन इंस्क्रिप्शन वर मेड फ्रॉम सिंगल रॉक. जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है स्टोन पे जो लिखा होता है वो सिंगल रॉक पे होता है. इंस्क्रिप्शन कार्ड आउट बाय द रिलीजियस ऑर्डर ऑफ एम्परर अशोका आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ एनग्रेविंग ऑन स्टोन. मीन्स उन्होंने जो स्टोन पे काम कराने वाला जो सबसे बड़ा एम्परर था वो अशोका था. दे वर पॉलिश सो वेल दैट दे ग्लीम शाइन. वो जब स्टोन पे कार्व कर दिया करते थे तो उसको इतनी अच्छे से पॉलिश किया जाता था कि वो शाइन करता था दूर से. ग्लीम सच पिलर्स वर इरेक्टेड इन अम्बाला, मेरठ, अलाहाबाद, सारनाथ, लोरिया, नियर नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना एंड बोधि वृक्षा नियर बोधगया. ये जो है मीन्स ये जो पिलर्स हैं जो निकाले गए हैं जिन पे स्टोन का कार्व किया गया है वो सब अम्बाला से मिले हैं. मेरठ, अलाहाबाद, सारनाथ, लोरिया, नियर नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना, बोधि वृक्षा नियर बोधगया यहाँ पर पाए जाते हैं. दे वर कार्व्ड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. एक स्क्रिप्ट का नाम है ब्राह्मी, उसमें लिखी हुई स्पेलिंग. पिलर एट सारनाथ, द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर. स्कल्पचर में सबसे बेस्ट अगर आपको देखना हो तो वो सारनाथ में है जो स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला. द पिलर हैज फोर लाइंस फेसिंग फोर डायरेक्शन. जो अशोक का साइन है मीन्स जिसपे चार लायंस हैं चारों साइड. सारनाथ प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा. धर्म चक्रास आर कार्व्ड बिलो द लायन इमेजेस. लायन की जो इमेजेस दे रखी है उसके नीचे एक चक्र दे रखा है, उसको बोला हुआ है धर्म चक्र. इमेजेस ऑफ फोर लायंस हैव बीन प्लेस्ड एज अ नेशनल सॉरी क्या हो गया चक्र इंडिकेट्स. जो नीचे चक्र है दिस चक्र इंडिकेट्स ट्रायम्फ ऑफ रिलीजन. रिलीजन की जीत के लिए ये चक्र बनाया हुआ है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड धर्म चक्र. इसीलिए इसको धर्म चक्र बोलते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज अ स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट, हॉर्स एंड बलॉक. एक बलॉक है, एक एलिफेंट है और एक हॉर्स है. इसके अलावा अगर नीचे वो चक्रा के आसपास देखे तो एलिफेंट, हॉर्स और बलॉक. जनरली हमें तीन लाइन लिखते हैं अगर आगे से देखो तो, बट अगर बिल्कुल डीप में देखा जाए तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है और जो कि आ जाता है एग्जाम. दिस चक्र हैज बीन प्लेस्ड इन द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक इंडिया. रिपब्लिक इंडिया में यही चक्र को फ्लैग के बीच में लगाया गया है. इमेजेस ऑफ फोर लायंस हैव बीन प्लेस्ड एज अ नेशनल एम्बलम. जो इमेजेस ऑफ फोर लायंस है वो हमारे नेशनल एम्बलम में प्लेस किया गया है. दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर इन द वर्ल्ड. जिसको वर्ल्ड के बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन में कंसिडर किया जाता है. स्टोन इंस्क्रिप्शन, स्टोन इंस्क्रिप्शन कार्व्ड बाय रिलीजियस ऑर्डर्स ऑफ एम्परर अशोका आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ एनग्रेविंग ऑन स्टोन. मीन्स स्टोन इंस्क्रिप्शन कार्व किया गया था रिलीजियस ऑर्डर्स जब अशोका एम्परर अशोका ने लिया उसके बाद. वुडन आर्ट स्टोन स्कल्पिंग show an excellent specimen of art of architecture. Architecture में wooden के ऊपर जो काम होता है stone के ऊपर ये show करता है excellent specimen of art of architecture. Along with erections of pillars of wood and stone beautiful arches arches are engraved on the door. Door के ऊपर wood का जो pillars जो वुड का यूज किया जाता है स्टोन का यूज किया जाता है विच एक्सप्रेसेस रिलीजियस बिहेवियर. सच स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम पेशावर, देहरादून, थाने, मुंबई, दौली, जोगाड़ा यानी ओडिशा में है एंड चेन्नई एटसेट्रा. ये जो इंस्क्रिप्शन है ये आज भी रिलीजियस इंस्क्रिप्शन कई घरों के डोर्स पे दिखाई देती है. कहाँ कहाँ पे? पेशावर, देहरादून, थाने, मुंबई, धौली, जोगाड़ा,
Odisha में है, चेन्नई में से थे. Such type of stone inscription has been found from the foothill of Girnar Mountain on the way to Junagadh in Gujarat. इस तरह का जो stone inscription है ये कहाँ पे मिलता है? Girnar Mountain, जो गुजरात के जूनागढ़ में Girnar Mountain है. Girnar Mountain की अगर foothill देखा जाए तो इस तरह की inscription वहाँ पे पाई जाती है. Other than this, Palitna Jain temples on शत्रुंजय माउंटेन इन गुजरात, जैन टेम्पल ऑफ हाथी सिंह इन अहमदाबाद आर सच स्टोन इंस्क्रिप्शन विच प्रोवाइड कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इन संस्कृत एंड गुजराती लैंग्वेज. 1847 में ये दो जैन टेम्पल्स बताए हैं जहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाती है, जहाँ पे संस्कृत और गुजराती लैंग्वेज का पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है. Dravid style of art in Dravid style of art in South India. Many Buddhist stupas were built in the regions near Krishna and Godavari River during the region of Satvahan kings. बहुत से Buddhist stupas बनाए गए religions मतलब उस regions में जो कि कृष्णा और गोदावरी river के पास है. दे वर ऑफ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल में होते थे. ओवल एंड बेल शेप, ओवल होते थे और बेल शेप, किस तरीके से मंदिर की घंटा होता है वो कैसे लटका होता है, बेल कैसे होती है, तो उस शेप में, इस तरीके से इस शेप में होता था. स्तूपा इन नागार्जुना काउंडा एंड अमरावती आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ ड्रेविड स्टाइल ऑफ आर्ट. चोला किंग्स adopted Dravid style of architecture up to the great extent. किसने, चोला किंग्स ने इसको एक्सेप्ट किया, इस आर्किटेक्चर को, इस स्टाइल को अडॉप्ट किया. आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड, अब गुप्ता पीरियड का आर्ट आया. ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर स्कल्पचर पेंटिंग डांसिंग एंड म्यूजिक फ्लरिश्ड. इसमें आर्किटेक्चर स्कल्पचर पेंटिंग और डांसिंग और साथ में म्यूजिक ये फ्लरिश हुआ. पार्वती टेम्पल एट जबलपुर, मिनावा, गुमारा, नगोड़ा, शिव टेम्पल, ईरान, मध्य प्रदेश, नरसिंह टेम्पल, गोप मंदिर एट जामनगर, स्तूपास, चैत्यास, मठ्स, विहारास, फ्लैग्स एंड पिलर्स आर द यूनिक एग्जाम्पल्स ऑफ गुप्ता आर्ट. गुप्ता आर्ट के ये कुछ यूनिक एग्जाम्पल है, जो जैसे पार्वती टेम्पल हो गया, शिव टेम्पल हो गया, नरसिंह टेम्पल हो गया और गोप मंदिर हो गया, चैत्यास, मठ्स और विहारास, फ्लैग्स, पिलर्स, ये सब जो है यूनिक एग्जाम्पल है गुप्ता आर्ट के. गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट. जो गुप्ता पीरियड है वो गोल्डन पीरियड है आर्ट का. बुद्धा स्टेच्यू एट सारनाथ में बुद्धा का स्टैचू है. लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, स्टैचू है लॉर्ड विष्णु का मथुरा में. स्टैचू है महावीर स्वामी का केव्स ऑफ उदयगिरी एंड स्टैचू ऑफ विष्णु इन द फॉर्म ऑफ वराह एटसेट्रा. मीन्स विष्णु भगवान का वैसा स्टैचू जो कि वराह अवतार में है. एट द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर ऑफ गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड में ये बेस्ट स्पेसिमेंस का स्कल्पचर ये रहा. नेक्स्ट इज केव आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड एज मैन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी. जो केव आर्किटेक्चर है वो कंसिडर किया गया मैन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी, जो मीन्स सुंदरता का एक ऐसा प्लेस जो कि लोगों के द्वारा बनाया गया है. केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा एट औरंगाबाद, एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई, उदयगिरी एंड बाग नियर ग्वालियर, भुवनेश्वरी नियर ओडिशा, खांडगिरी एंड नीलगिरी एट द फेमस स्पेसिमेंस ऑफ केव आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड. ये गुप्ता पीरियड के ही कुछ फेमस स्पेसिमेंस है. खम्बालिदा यानी गोंडल इन गुजरात, धाम यानी राजकोट, थ्री केव्स एट जूनागढ़, तलाजा, सना एटसेट्रा.
केव्स आर ऑल्सो फाउंड, ये इस तरीके की केव्स जो है वहां पे देखने को मिलती थी। द केव इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन कार्व्ड ऑन द वॉल्स ऑफ थ्री केव्स ऑफ बर्बर माउंटेन 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम गया, गया से 16 किलोमीटर दूर है वहां पे अशोक के द्वारा बनाई गई जो इंस्क्रिप्शन है केव इंस्क्रिप्शन है वो देखने को मिलती है। दिस डिस्क्राइब्स वर्क्स ऑफ चैरिटी डन बाय अशोका, ये दिखाता है कि किस तरीके से अशोका ने चैरिटी का काम किया। केव्स ऑफ असम एंड दार्जिलिंग, सुदामा केव ऑफ बिहार एंड केव ऑफ सीता आर द वेल नोन केव आर्किटेक्चर। असम और दार्जिलिंग की जो केव्स हैं, सुदामा केव है बिहार की और केव ऑफ सीता ये वेल नोन केव है आर्किटेक्चर की। डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ अजंता एलोरा केव्स इज गिवन इन चैप्टर 6। जब हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे तब अजंता एलोरा की जो केव्स हैं उनके बारे में और डिटेल में इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट केव्स ऑफ गुजरात, अब गुजरात में जो जो केव्स हैं तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तब तक के लिए आप कंप्लीट करो अपना सारे नोट्स ऑनलाइन।